सो हे गाइस, मैंने अभी अभी पूरा वीडियो एडिट करने से पहले देखा, मतलब सुना, बहुत विंड का साउंड आया है. सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा एडजस्ट कर लेना. मैं अगली बार से देखूंगा, कुछ माइक का जुगाड़ करूंगा ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लियर. गाइस, तो टुडे वी आर अनबॉक्सिंग माय न्यू मॉनिटर, जो कि है एसर का 165 Hz 24 इंच और फैक्ट्री ओवरक्लॉक. सो मैं यूज कर रहा था एलजी का 60 Hz का, जो कि ओवरक्लॉक था 75 Hz पे, और उसका फैक्ट्री ओवरक्लॉक का 2 ms रिस्पॉन्स है, जो कि मैंने भेज दिया दोनों मॉनिटर, और अभी ये मॉनिटर मंगवाए हैं. सो लेट्स अनबॉक्स इट. बॉक्स है हमारा मॉनिटर, ये देखो यहाँ पे बॉक्स पे लिखा हुआ है ओवरक्लॉक टू 165 Hz, जो कि फैक्ट्री ओवरक्लॉक्ड है. ओके, और ये AMD फ्रीसिंग सपोर्ट करता है. 0.5 ms का ये है रिस्पॉन्स टाइम, और ये क्या है? अच्छा, ब्लू लाइट शील्ड है और फ्लिकरलेस है. चलो अभी इससे भी फोड़ते. और हाँ, 24 इंच फुल HD 1920x1080. दिस इज पावर केबल मॉनिटर की. ये मॉनिटर का स्टैंड है, नहीं निकलेगा. ओके, मॉनिटर का स्टैंड है, फुल मेटल है. बाकी कुछ मैन्यूअल डिस्प्ले पोर्ट फॉर परफेक्ट 165 Hz. क्या स्टेटमेंट? नहीं, परफेक्ट 165 Hz मिलने के लिए डिस्प्ले पोर्ट यूज होता है. सो डिस्प्ले पोर्ट दिया, दैट्स गुड. ओके, ये गिरने वाला है. मॉनिटर स्टैंड सेक्सी दिखा रहा है पैकेट में. मेरा मॉनिटर का स्टैंड सही है, मेटल है ये. चलो अब मॉनिटर निकालते हैं. वो भाई बहुत बड़ा है मॉनिटर. वो एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही बड़ा है. सो या कंपोज पावर केबल मॉनिटर की, दो HDMI केबल्स
और एक डिस्प्ले पोर्ट, जो कि मैं डिस्प्ले पोर्ट ही यूज करने वाला हूँ मेरे ग्राफिक कार्ड को भी। सो लेट्स इंस्टॉल इट। कितना बड़ा है ये भाई, 24 इंच। गाइज इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो चार मोड से, चार नहीं सॉरी आठ मोड है। एक जीवन करके, जीवन में एक्शन, और इसमें G2 में रेसिंग, G3 में स्पोर्ट्स, यूजर में जो अपन खुद अपना सेट करेंगे वो जो भी सेटिंग्स आपको चाहिए, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक मोड लेवल 6 है इसमें। फिर स्टैंडर्ड, उसके बाद इको और ग्राफिक्स और HDR। सो ये कुछ मोड है। और फिर मैंने यूजर में अपने कुछ सेटिंग्स किए हैं, चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे पास है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी डिस्प्ले की सेटिंग दे दूंगा यूजर की, जो कि मैंने खास गेमिंग के लिए किए है। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस, हाउ इज माई एक्सपीरियंस विद दिस मॉनिटर भाई? मैं पहली बार इतना बड़ा मॉनिटर फेस कर रहा हूँ, बहुत बड़ा है फिलहाल तो मेरे लिए, एक्सपीरियंस नहीं है इतना, मतलब मुंह के सामने इतना रहना। और फिर ऊपर से 165 Hz का फुल एक्सपीरियंस मैंने फील किया, मैंने देखा थोड़ा, मतलब वीडियो में भी आपको समझ जाता है पूरा, ऐसा FPS जो रहता है ना, फ्रेम्स पर सेकेंड, वो पूरे वीडियो में भी दिख जाता है आराम से। और बात रही स्क्रीन की, मतलब डिस्प्ले की, बहुत मस्त है, फुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्टैंड भी मस्त क्वालिटी का है, मॉनिटर भी, मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। और ऊपर से मतलब तारीफ करूं उतनी कम है, मोड्स बहुत है इसके, डीप में जाऊं उतना कम है। फिर मैंने एनवीडिया G-Sync ऑन किया, फ्रीसिंग भी इसमें, मतलब AMD फ्रीसिंग, रेडियन फ्रीसिंग ऐसा कुछ तो है यहाँ पे, ओके हाँ बराबर बोला, AMD रेडियन फ्रीसिंग है और G-Sync भी सपोर्ट करता है। मेरे को सीधा एनवीडिया के कंट्रोल पैनल में ही सेटिंग आ गया G-Sync का, तो मैं G-Sync पे चलाता हूँ। और लो लेटेंसी मोड अल्ट्रा, और यहाँ पे पहले आपको क्या आएगा कि मॉनिटर के सेटिंग में 144 Hz ये रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा, लेकिन आपको उसको 165 सिलेक्ट करने का उधर ऑप्शन आता है, वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। और एनवीडिया के कंट्रोल पैनल में चेंज रेजोल्यूशन में कोई भी सेटिंग मत करना, क्योंकि अगर आप 1080p ब्रैकेट में रहता है, 1920x1080p और नेटिव करके रहता है, और फिर उसमें बस एक ही ऑप्शन रहता है 120 Hz, सो डोंट सिलेक्ट दैट। जो नॉर्मल है, यानी कि जो चेंज रिजोल्यूशन में एनवीडिया के कंट्रोल पैनल में नॉर्मल है वही रखो। और या बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सेक्स है मॉनिटर का, जैसे आदत पड़ जाएगी ये भी मॉनिटर साइज के हिसाब से मेरे को छोटा पड़ जाएगा, बड़ा इसलिए, बाकी कुछ नहीं। सो होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, और वापस एक बार माफ करना उस विंडी नॉइज के लिए जो वीडियो में थी, अगली बार से देखूंगा कुछ माइक का जुगाड़ करूंगा, एडजस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मेक श्योर टू लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम एंड सॉरी उल्टा बोला नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट स्ट्रीम. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.